की समस्याएं क्या हैं, डाउरी सिस्टम ग्रामीण क्षेत्र में कितना प्रेवलेंट है, कितना बदलाव आया है, इसके बाद मेरी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। लास्ट टाइम हैदराबाद में केस हुआ था ना लास्ट ईयर, तो उसका पूछा था कि एनकाउंटर जस्टिफिएबल और नॉट, राइट, सो उसके बारे में था। सर आप अपना नाम बताइए और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैंने बीटेक किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में MNIT इलाहाबाद से। ओके सर, आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है? सर मेरा इंग्लिश मीडियम है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है। ओके सर, आप UPPCS वगैरह भी क्लियर कर रखे उसके बारे में बताना। हाँ मैंने UPPCS क्लियर किया हुआ, PCS 19 में मेरा चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है और UP के फॉरेस्ट सर्विस में मेरा चयन असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर पे हुआ है। ओके सर, सबसे पहले ये बताइए कि स्टेट PCS एंड UPSC को क्या साथ में तैयारी की जाती है, की जा सकती है, या फिर ये डिफरेंट, कितना डिफरेंट है इसमें सर? दोनों में कुछ डिफरेंस भी हैं, कुछ समानताएँ भी। समानता ये कि सिलेबस दोनों का सेम है, तो प्रिपरेशन साथ में की जा सकती है। अंतर ये कि दोनों में लेवल का अंतर है, जो UPSC थोड़ा एनालिटिकल लेवल है, कॉन्सेप्चुअल है, और उसका मोरलेस फैक्चुअल लेवल है। ओके, तो थोड़ा अगर अच्छे से फोकस किया जाए तो दोनों की जा सकती हैं। ओके, और मैंने किया भी है जी सर। सो आपसे मैं ये पूछूं कि इंटरव्यू कैसा रहा आपका, तो उसके बारे में बताइए सर। आज इंटरव्यू अच्छा हुआ मेरा, एम सत्यवती मैम के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू हुआ था। ओके, कितने मिनट चला सर? तो मेरा लगभग 30 मिनट इंटरव्यू चला हुआ है। ओके और तो सर इंटरव्यू में क्या पूछा गया, इसके पहले आप ये बताइए कि आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की थी? मैं मेंस का रिजल्ट आने के बाद ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था, और मेनली प्रिपरेशन मेरी डेप बेस्ड थी, जो मैंने डेप में लिखा हुआ था। इसके साथ साथ मैंने ऑप्शनल की प्रिपरेशन की थी, मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है तो उससे रिलेटेड मैंने प्रिपरेशन की थी, और करंट के लिए डेली अखबार पढ़ता ही था। ओके सर, इंटरव्यू में आज किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? ज़्यादातर क्वेश्चन डेप से रिलेटेड थे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएँ क्या हैं, डाउरी सिस्टम ग्रामीण क्षेत्र में कितना प्रेवलेंट है, कितना बदलाव आया है, इसके बाद मेरी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि आप दोनों जॉब में से कौन सा ज्वाइन करेंगे, क्यों ज्वाइन करेंगे। तो आपने क्या बोला सर? मैंने बोला कि मैं SEF ज्वाइन करूंगा, तो मैम पूछने लगे क्यों ज्वाइन करेंगे, नायब तहसीलदार से तो IAS बन सकते हैं जी। तो फिर मैंने बताया कि मैम दोनों में काफ़ी अंतर है, मैं लास्ट टाइम में IAS बन पाऊंगा और हो सकता मौका भी ना मिले बनने के लिए, और इससे मैं डायरेक्ट IAS बन जाऊंगा। तो वो उसके बाद उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन छेड़ा नहीं। और किस टाइप के और क्वेश्चंस थे? फिर दूसरे सर पूछ रहे थे क्वेश्चन, तो उन्होंने अर्बन ज्योग्राफी, लखनऊ का ज्योग्राफिकल एनालिसिस, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, इसके साथ साथ कल्चरल ज्योग्राफी को कुछ क्वेश्चन पूछे थे। फिर एक अदर में दूसरे मेंबर थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछे मुझसे मेनली पंचायती राज सिस्टम, जो इलेक्शंस हुए हैं UP में उससे रिलेटेड, उसमें जो वायलेंस हुआ है वो क्वेश्चन पूछे उन्होंने, जो पंचायती राज सिस्टम में सुधार आप कैसे करेंगे वो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसके बाद कुछ करंट के क्वेश्चन भी पूछे गए थे मुझसे, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी स्कीम्स है तो इंसेंटिव स्कीम, तो उस पर क्वेश्चन पूछे गए थे। NPA की क्या प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, NPA की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं उस पर, IBC कितना सफल रहा कितना असफल रहा उस पर क्वेश्चन पूछे गए थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उसका स्ट्रेटेजिक यूज क्या है, राइट, 5G क्या है, उसके क्या क्या यूजेज हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन। सर आपकी काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है, तो आपके अकॉर्डिंग आपका क्या ओपिनियन है अब तक का एक्सपीरियंस के अनुसार, कि आपकी जर्नी आपके अनुसार सक्सेसफुल रही है अभी तक नहीं क्या? बिल्कुल, मेरी जर्नी मेरे अकॉर्डिंग सक्सेसफुल रही है। ओके सो आप सेटिस्फाई होगी? हाँ जो था, यस 100% सेटिस्फाई। ओके सर, कहीं ना कहीं लॉन्ग जर्नी थी, तो आपने स्टे मोटिवेट अपने आप को कैसे रखा सर? हाँ, UPSC PCS की जर्नी काफ़ी लंबी होती है, तो कभी कभी अंतिम सफलता मिलने में टाइम लगता है, लेकिन जब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करने लगते हैं, मेंस लिखते हैं मेंस इंटरव्यू तक जाने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आने लगता है। तो यही मेरा मोटिवेशन था, मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता तो मेंस में फेल हो जाता था, मेंस क्वालिफाई कर लेते तो इंटरव्यू में कभी बाहर हो जाता था, तो ठीक है वो प्रोसेस में मैं घूम रहा था और मुझे भरोसा था कि मैं एक दिन सेलेक्ट हो जाऊँगा जी। हाँ सर, कहीं ना कहीं आपने काफ़ी असफलताओं का सामना किया है, तो डेफिनेटली आपने उनमें सुधार किया होगा, हर बार ये चीज़ गलत कर रहा था मैं ये करूँगा, तो सर आप क्या गलतियाँ कॉमन करते थे और स्टूडेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए जो नए स्टूडेंट्स हैं? एक तो शुरुआती प्रिपरेशन के दौरान मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी ना, मैं प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करता था, मेंस की प्रैक्टिस करता था, तो मैंने सक्सेस अटेम्प्ट में इस प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया है, ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर किया है। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं मेंस के दौरान जो जनरली हम छोड़ देते हैं, जैसे ऐसे को हम लाइट ले लेते हैं, एथिक्स के पेपर को लाइट ले लेते हैं, तो इसके बाद मैंने एथिक्स की प्रिपरेशन अच्छे से की, उसकी लिखने की प्रैक्टिस की, ऐसे लिखने की प्रैक्टिस की, इससे मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए और मेंस क्लियर भी होने लगा। ओके सर, मैं और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स करेंगे कि आप फाइनलिस्ट में आए। सर नए स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज सर? अच्छे से पढ़ते रहें, मोटिवेटेड रहें,
कंटिन्यूटी को मेंटेन करें, घंटों पर फोकस ना करें। जी सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम विजय है, एजुकेशन मेरा बीटेक है IIIT लवास से। ओके, और आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है? ऑप्शनल मेरा PSIR है, मेरा रिटन मीडियम इंग्लिश था, इंटरव्यू हिंदी में था। ओके सर, आपने इंटरव्यू के लिए किस प्रकार से तैयारी की थी, इसके बारे में बताइए। यार एज सच तो कुछ मतलब किया नहीं था, लेकिन न्यूज़पेपर थे, डेली दो न्यूज़पेपर पढ़ने थे, बाकी डेफ अच्छे से कर लो और करंट ओरिएंटेड ही था मैक्सिमम तो। ओके सर, आपका इंटरव्यू कैसा गया और आपके चेयरपर्सन कौन थे? इंटरव्यू वेंट वेल, लाइक लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट लाइक इंटरव्यू ठीक था, लेकिन सुजाता मेहता मैडम का बोर्ड था मेरा। okay. तो काफ़ी हद तक ठीक था, प्रेडिक्टेबल लाइंस पे था, वही करंट चीज़ें पूछी गई थी। ओके सर, जैसे कि आपने सोचा होगा कि इंटरव्यू कुछ सोच के जाते हैं कि आज मेरा इंटरव्यू ऐसे जाने वाला है, तो आपके अकॉर्डिंग कितना अच्छा रहा इंटरव्यू? यार एक्चुअली अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ठीक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ठीक था। ओके सो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए सर, उसके बारे में? क्वेश्चंस तो एक्चुअली डेफ के ऊपर थे, कि मतलब माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स, तो उसके बारे में पूछा था कि कौन से बुक पढ़ी है उसके बारे में बताओ, फिर एक एनकाउंटर से कुछ पूछा था कि करते हैं तो सही है कि गलत है, वो सब था। ओके और इसके बारे में बताइए, एनकाउंटर क्या क्या बोल रहे हो सर आप? नहीं, वो अभी जो लास्ट टाइम हैदराबाद में केस हुआ था ना लास्ट ईयर, तो उसका पूछा था कि एनकाउंटर जस्टिफिएबल और नॉट, राइट, सो उसके बारे में था। ओके, और इसके अलावा करंट अफेयर्स वगैरह से? करंट अफेयर्स का था मतलब काफ़ी, अभी एक्चुअली याद है नहीं। राइट राइट। ओके सर, जैसे कि आपको 2 ईयर्स हो गए प्रिपरेशन, टू अटेम्प्ट्स दिए, तो आपका क्या ओपिनियन है इस जर्नी से लेकर कि हाँ मैंने जो टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग आप कितने सेटिस्फाई हो? यार लाइक ठीक है, पहले मेरा मेंस था, लास्ट टाइम मेंस लिखा था, तो लाइक रिसोर्सेज लिमिटेड रखने चाहिए और पढ़ते रहो, हो जाता है ऐसा कुछ है। हाँ सर, जब आपका मेंस नहीं हुआ, आपको काफ़ी डिमोटिवेशन भी फील हुआ हो, तो उस टाइम पे अपने आप को स्टे मोटिवेट कैसे रखा सर आपने? बस यही सोच के रखा कि एक दिन इंटरव्यू पे पहुँचेंगे तो वो अलग फीलिंग होगी, तो पढ़ते रहते हैं, निकल जाएगा तो अच्छा लगेगा डेफिनेटली। ओके सर, जैसे कि आप बता रहे हो कि आपके पहले जो अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट, उसमें क्या गलतियाँ रही आप? फर्स्ट अटैम्प्ट में यार एक्चुअली क्लियर ही नहीं था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो मतलब प्री के बाद मैंने ऑप्शनल स्टार्ट किया था, प्री से पहले मैंने ऑप्शनल देखा भी नहीं था, तो प्री के बाद था तो मेरा ऑप्शनल में बहुत ही कम थे, तो इस बार मैंने ऑप्शनल के लिए क्लासेस वगैरह सब करके किया। ओके सो जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने ऑप्शनल की तैयारी की नहीं, तो क्या सर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी सही है या फिर गलत है? यार इट डिपेंड्स एक्चुअली, लाइक अपना अपना ओपिनियन है, तो ऐसा कुछ है नहीं आपके अकॉर्डिंग? मेरा तो ऐसा ही था कि प्री से पहले छोड़ देता था 2-3 महीने पहले, फिर प्री का स्पेसिफिकली करता था उसके बाद फिर, लेकिन हाँ कंटिन्यूसली करना चाहिए ओवरऑल, पहले अपना ऑप्शनल और मेंस हो जाए फिर प्री के लिए करना। राइट, सो नए स्टूडेंट्स के लिए सर आपका क्या मैसेज रहेगा? यार देखो पढ़ते रहो, एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं कि अनसर्टेनिटीज डेफिनेटली हैं, आप एक रूम में बैठ के पढ़ते हो 2-3 साल तक कोई जानता तक नहीं है, उसके बाद आप इंटरव्यू आते हो, सेलेक्ट होते हो, तो डेफिनेटली लाइक मेहनत करोगे तो फल मिलता ही है। ओके।